तो काफ़ी सारे जो सीखने को मिला वो हमारे लिए कुछ कुछ बात तो मतलब बहुत नई थी, कभी भी उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि शायद आगे जाके ये सब सीखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से जो मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो ट्रेनिंग में जो अभी 29 तारीख को जो शुरू किया तो उसमें ज़्यादातर शॉट कैसे लिया जाता है और किस एंगल से लिया जाता है और लाइटिंग का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, मतलब जहाँ से सनलाइट आ रहा है वहीं से लेना है, उसके चेहरे के ऊपर जो आता है उस एंगल से लेना है, या पैक मतलब कोई रूम में ले रहे हैं तो मतलब बैकग्राउंड में कैसा होना चाहिए, या बाहर कहीं लेते हैं तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए बैकग्राउंड, तो ये भी सीखने को मिला। और दूसरा हमने खुद अपना अनुभव किया और काफ़ी सारे वीडियो भी किए, एडिटिंग भी किए, तो वो भी सारा हमारे लिए नया था। और दूसरा जो सीखने को मिला वो शूट वाला था कि किस एंगल से हम लोग शूट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने सीखा कि वाइड मतलब पूरा आना चाहिए, फिर मिड तो आधा, और क्लोज तो मतलब आधा जो चेहरा या कुछ ऐसे होते हैं तो सब ले सकते हैं। और दूसरा एक ये था कि वीडियो बनाने से पहले हम क्लियर होना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या है, और उसमें दो बात बताई थी कि प्रॉब्लम और मतलब समस्या से हम शुरू करना चाहते हैं या भय देके। मान लो कि व्यसन कोई आदमी कर रहा है तो उसके मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें उससे क्या नुकसानी हो सकती, तो ये हुआ भय। और समस्या जो वास्तविक में जो समस्या है उससे हम वीडियो भी बना सकते हैं। और दूसरी ये बात थी कि हम जो समस्या है उसको हल करने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ये भी हम कर सकते हैं। और ज़्यादातर जिसकी स्टोरी हम स्टोरी बना सकते, केस स्टडी या स्टोरी बनाते हैं तो उससे दूसरे को प्रेरणा कैसे मिल सकती है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और काफ़ी सारा सीखने को मिला, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो बातें थी या मेरे को जो याद आया वो मैं बता रहा हूँ। और लास्ट में जो आज हमने सीखा कि अभी जो फोटो है उसके पीछे हम स्टोरी या हम अपनी आवाज़ रख देते हैं तो पूरा एक वीडियो या एक फिल्म बन जाता है, तो वो भी मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम करेंगे आगे तो सीखते जाएंगे। कहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आपका कॉन्टेक्ट भी करेंगे, लेकिन सीखते जाएंगे। वो हमने सोचा था कि आगे जाके हमने 5 मुद्दे के ऊपर हम वीडियो सोच रहे थे, एक वॉटर था, दूसरा एक वायलेंस था, और तीसरा एक एजुकेशन था, हेल्थ था, और 4-5 मुद्दे हमने सोचे थे। और इसके ऊपर हमने थोड़ा भी सोचा था कि हम वीडियो में क्या अप्रोच डालना चाहते हैं और कौन व्यूअर है, मतलब देखने वाला कौन है, हम संदेशा क्या भेजना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। और वास्तविक में जो हमारे वहीं पर परिस्थिति है या जो गाँव का नाम और व्यक्ति का नाम वो भी हमने लिख के रखा है, और एक साल में हम कौन से वीडियो बनाना चाहते हैं वो थोड़ा हम क्लियर है, तो हमको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि जाने के बाद हम एक मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से जो हम मतलब क्लियर रहेंगे तो जब भी फील्ड में जाते हैं तो हम ये दृष्टिकोण से या पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ कुछ हमारे काम का निकलेगा, तो वहीं से हम लोग पूरा इकट्ठा करते जाएंगे। बाद में हम वीडियो बनाना सोच रहे हैं, क्योंकि अभी एक मान लो कि हेल्थ का मुद्दा है और 2 या 5 एक हफ्ते में हमको बनाना है तो ये पॉसिबल शायद हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी या कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते जो मतलब जब हमको जरूरत है तभी वो नहीं होता है। अभी मान लो कि हेल्थ ऑफिसर को मिलना है या गाँव का किसी आदमी का इंटरव्यू लेना है तो शायद जब हमको टाइम है तभी वो नहीं मिल सकता है हमको, तो मतलब ये थोड़ा पहले से प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से हम फील्ड में ये सब करेंगे। और दूसरा एडिटिंग का है, तो उसके मतलब जो मैसेज या कुछ रेडियो कार्यक्रम बनाने हैं तो उसके पहले हम कंटेंट भी तैयार करेंगे, क्योंकि जो कम्युनिटी के हिसाब से वो कंटेंट पूरे तैयार करेंगे कि उसको क्या सुनना है या क्या प्रॉब्लम है उसको, तो ये सब हम पहले ही करेंगे। इन 3 दिनों में जब हम लोग पहले आए थे तो मन में बहुत एंग्जाइटीज थे, क्योंकि रेडियो के ऊपर काफ़ी सारा सोच के आए थे और उसके टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और वो सब पर। 3 दिन में चेन्नई ने जो भी बात किया उन्होंने भी वही शैली से वही प्रिंसिपल से बात किया, तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि कितने इजीली
वीडियो जैसी एडवांस स्किल आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे आके पहली बार ही कैमरा हाथ में लिया था, जो मेरे में एंजाइटी था वो शायद कम्युनिटी में जाएंगे तो उनमें भी वही एंजाइटी होगा। तो कितना इजीली अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो लोग तो जरूर कर सकते हैं, तो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये भी था कि काफी सारे वीडियो के आइडियाज भी हमने सोचे, तो कैंपेन का जो हम लोग वहाँ पे सोच रहे थे कि कैंपेन में एक ही साथ कैसे टेक्नोलॉजी के सभी कंपोनेंट्स मर्ज हो पाए, तो आज राजेश जी भी जैसे सुबह में बात कर रहे थे कि आप जो भी इश्यू को बात कर रहे हो तो ऑडियो वीडियो, और अभी लगता है कि शायद GIS को भी उसी में यूज कर सकते हैं। GIS देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो शायद थोड़ा ट्राई करेंगे तो बेसिक लेवल तक का कर पाए, तो वो बहुत अच्छा लगा। और पहले से ही मुझे ये था कि पावर पॉइंट के पीछे जो वॉइस ओवर्स हैं वो कैसे करते हैं, मैंने जिनमें को भी बोला था कि क्या आप वो मुझे सिखा सकते हो, तो उन्होंने बोला कि सोचते हैं, मैंने भी शायद किया नहीं है, वो अभी रिकॉर्ड में डेस्कटॉप से हो गया, तो आई एम हैप्पीएस्ट बाय दैट। क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंटेशन मुझे कई बार लगता है कि हम लोग बोलते जाते हैं फिर सब लोग सो रहे होते हैं, तो बेटर है कि इसी से कर जाएं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और उसमें काफी सारे इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें, और सबसे ज्यादा कि टेक्नोलॉजी का जितना हम लोग बैगेज लेके जाते हैं और यहाँ पे आप लोग सब इतना इजीली सब कुछ इतना इजी कर देते हैं, जैसे Ubuntu भी पहले देखा था तो डिफिकल्ट लग रहा था, पर कल केडन लाइव में भी किया और आज अभी भी किया तो अभी इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा, तो वो जिस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं पूरा टीम, तो वो बहुत अच्छा। इन तीन दिनों में जो वर्कशॉप ने हमको सीखा बहुत अच्छा लगा, और हमें ज़्यादातर अंग्रेजी या हिंदी समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए उन्होंने गुजराती में अच्छा समझाया, जैसे कि जामी बेन ने और कृतिका बेन ने, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं समझ सकती थी। और तीन दिनों के बाद आज के खाना खाने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुरु भाई ने जी लास्ट में ये बताया सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खाने में बहुत मजा आया और तीन दिनों में हम एक फैमिली जैसे रहे, और सभी टीम के मेंबर हमें बहुत प्रेम से बुलाते हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमको बहुत खुशी मिली। और इसके बारे में मैं तीनों संस्था के बारे में गुजराती में एक लाइन गाना चाहती हूँ। एक मिनट आपकी परमिशन से मैं सबको बुला लूँ फिर गाइएगा, ठीक है? एवी आनंदी एवी आनंदी एवी आनंदी आवी रे के रस्ता जड़ी गया, एवी आनंदी आवी रे के रस्ता जड़ी गया। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बात करूंगी क्योंकि वो हमारी स्किल के लिए अच्छा लगा कि जो हम ज्यादा सीखे तो हम ज्यादा और कम्युनिटी में जाके कम्युनिकेट कर पाए, और जो हम सीखे हैं उनका इस्तेमाल समाज बदलाव में, एक सामाजिक प्रक्रिया बदलाव में कैसे टूल बनता है वो हमें देखना है। तो कई महिलाएं की सफल गाथा है, कई महिलाएं की स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो सारी चीजें हम अगर वीडियो क्लिप कर पाते हैं ये जो ट्रेनिंग लिया है उनके इम्पेक्ट में, और महिलाओं के जरिए और ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा सकते हैं तो शायद उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो इसको इस टेक्नोलॉजी को जो तीन दिन का हमने ट्रेनिंग लिया है, खास करके वीडियो कैसे करते हैं, ऑडियो कैसे डालते हैं, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी बातें अगर हम महिलाएं के गांव में लेके जाएंगे तो मुझे लगता है वो भी इतना क्लिप लेना है, शूट करना है, या जैसे अभी इसने गाना गाया ऐसे हर अनुभव का गाना बनाना है तभी वो अच्छी तरह कर पाएंगे, लेकिन हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है फंड फॉर जेंडर इक्वालिटी और तीनों पार्टनर संस्था मिलकर जो कर रहे हैं, तो शायद हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सामाजिक कार्य में हम
काफी समय से बदलाव की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए हम उनका सरल कैसे कर दे, इजी कैसे करें कि वो उनको सब उपलब्ध हो। जैसे कि हम इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करते हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर उनको 50 बार गवर्नमेंट ऑफिस में गई है फिर भी उनको आवास नहीं मिला है, तो क्या इंफॉर्मेशन सेंटर में वो उनका इंटरव्यू देती है और वो इंटरव्यू हम गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंचा देते हैं तो क्या उनका अधिकार उनको मिल जाता है? तो मैं इस तरह देखती हूँ कि हम जो भी एक्टिविटीज इसमें करेंगे फील्ड में फिर जाके, तो इस टेक्नोलॉजी को ऐसे जोड़ेंगे ताकि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। तो इनके लिए वैसे मैं कंप्यूटर पर्सन भी नहीं हूँ और ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानती, लेकिन मुझे शौक बहुत है कि मैं अपने तरीके से कुछ ना कुछ ढूंढ लूँ और फोटो निकाल लूँ या वीडियो कर लूँ। तो मुझे लगता है ये जो 3-4 दिन में हमें बहुत अच्छी तरह ये सब चीज़ें दिखाई बताई गई है कि अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो कितना अच्छा हो सकता है, तो वो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे वहाँ तक पहुँचाएंगे फिर तक। और बाकी वो खुद कैसे करे, भले एक दो क्लिप करे या एक ही फिल्म करे, लेकिन वो खुद अपनी बात कैसे करे और लोगों के सामने रखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका हम मीडिएटर बनेंगे वहाँ तक ले। मैंने 3 दिन में बहुत सारा सीखा, और जैसे कि हम कैसे शूट करते हैं, पहले तो कैमरा कैसे पकड़ना, माइक कैसे पकड़ना, उनका वो जो लेवल है क्या बोले स्टैंड का, वो भी हमको सही तरह से रखना, और बहुत सारे हम सीखे। और उससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा जो मुझे इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर में, जो एडिटिंग करना और उसमें इफेक्ट डालना, उनको कैसे हम अच्छी तरह से बनाएं जो लोगों देखे तो मजा आए और वो भी इस पूरी मीडिया में आए, जुड़े, वो भी कुछ करके दूसरे को बताएं। तो कल मैंने जो कैंडी लाइन जो सॉफ्टवेयर है वो सीखा, और उसमें इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था एडोब प्रीमियर में। आज बहुत मंगला जी ने सिखाया मुझे, और आपका नाम है भूल गया सर जी, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। और आज मैंने कल जो पिक्चर स्टोरी बनाई थी उनको फिर एडिटिंग करके मैंने एडोब प्रीमियर में बनाई है, और बहुत सारे इफेक्ट डाला है उनके एंगल से, अलग अलग एंगल से। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, मज़ा आया। और मैं जो यहाँ पे 3 दिन जो सीखा हूँ वो मैं ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है, उसमें जरूर उपयोग करेंगे, और दूसरी टीम को भी मैं सिखाएंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सबको। जब हम सीहोर से यहाँ आए थे तब पिक्चर क्लियर नहीं था, क्योंकि कभी हमने रेडियो नहीं यूज़ किया है। हम कच्छ गए थे रेडियो कैसे चलता है वो देखने के लिए, और फिर यहाँ आए कि आप यहाँ कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। तो मुझे पहले डिफिकल्ट लगता था क्योंकि कभी नहीं किया है, हमारे एरिया में ये रेडियो चलता भी नहीं है। तो पहले वहाँ जाके आए तो हम सोचने लगे थे कि यहाँ तो रेडियो कोई सुनता नहीं है, हम कैसे करेंगे। तब फिर बाद में हमने एक ऑप्शन रखा था कि हम वीडियो करेंगे, वीडियो से हम अपनी बात है जो सबको दिखाएंगे, पर कुछ आता तो नहीं था। यहाँ आने के बाद अब क्लियर हो गया कि ये चीज़ है जो हम वहाँ जाके कर सकते करेंगे। और हम दोनों आए पर हमारी टीम तो नहीं आई है, तो पहले उसको सिखाएंगे और सीख उसमें हमारा भी इम्प्रूव होगा और वो भी सीख सकेंगे। और नया सॉफ्टवेयर है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब से आई थी तब उसके पीछे लगी थी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो आज सामने से मिल गया। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मुझे पहले लगा था कि हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो कैसा होगा क्या होगा, पर यहाँ तो मुझे अपने घर जैसा ही लगता है, बाहर आई हूँ वो मुझे नहीं लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों की टीम वर्क देख के बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम लोग बाहर से आए हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। ನಾನು ಸಹಿತ ಈ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 7-8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವನ್ ಜಾನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಶಂಬೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಐ ಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಡಾಟಾ ನಾವು ಬಂದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇರೆಬೇರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹೊಸ ಏನು ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಷನ್ಸು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅದೊಂದು ಐ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಜಿ ಐ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಾಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೂ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟು. ಇರೋದು ಮೂರು ದಿನ, ಅದರಿಂದ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರು, ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ಟು, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಈಗ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧಿಸ್ಬಲ್ವ ನಮ್ ಟೀಮು ಅನ್ನೋದ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಗೆರೆ ಮೂಡ್ಕೊಂತ ಗರಿ ಮೂಡ್ಕೊಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಚಿನ್ಮಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಆತರ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮೂರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಂತೂ ಏನೋ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮೆರಡು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾದಗಿರಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಗೂ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಫಿಲಮ್ ನೆನ್ನೆ ಮೂರು ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ ದಿನ ಎಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗು, ಆದ್ರೆ ನಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು. एक चीज बतानी है कि ये पहली बार ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं. कभी कभी ये भी आपको बताना है कि हमारी टीम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग की है, तो और खास करके मंगला और शिव ने जो किशोरी हैं फील्ड में उनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे एक प्रोजेक्ट में, यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में. तभी कभी कभी हमारा दिल तो टूट जाता था कि हम जाते थे, कैमरा वहां होती थी, बुला बुला के बिठा के इतना कोशिश करने के बाद भी लोग आते नहीं थे, कैमरा उठाते नहीं थे.
ऐसा नहीं था कि सीख नहीं सकते थे, फिर भी जो वो जोश की जो जरूरत थी, तो उनका ये कहना है कि एक मिनट भी, एक पल भी उनको ये नहीं लगा कि यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है, तो उनको वो बहुत ही अच्छा लगा। ನನಗೆ ಈ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟು. ಅದೊಂದಂತೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಣ್ಮನ್ ಸರ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಭಾಷೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಪೂರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಟೀಮು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನೀವು ಆರು ಆರೂವರೆವರೆಗೂ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರವೇ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಆವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಉಪಾಸನ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾನವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋರು, ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾನವಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗಳಿತ್ತು. ಆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಾಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಹಲೆ ದಿನ ಮೇ ತೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಔರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಔರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಸಬ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸರ್ ಹಮೇ ಚಿನ್ಮಯ ಜೀನೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಿಕೆ ಸೇ ಬತಾಯಾ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಔರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೇ ರಾಜೇಶ್ ಜೀನೆ ತೋ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಬತಾಯಾ ಔರ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸಬ್ ಬಹುತ್ ಸೀಖಾ ಯಹಾಂ ಪೆ ಔರ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಭಿ ಮಂಗಲಾ ಜೀ ಔರ್ ಶಿವ ಜೀನೆ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಬತಾಯಾ ಔರ್ ಶಬರೀಶ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭೀ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಸೀಖಾ ಔರ್ ಔರ್ ಯಾದವ್ ಯಾದವ್ ಜಾಕೆ ಯೇ जो कुछ भी हमने सीखा है यहाँ पे मैं और हीराना है वहाँ पर जाके यही लर्निंग्स को हम वहाँ देना चाहते हैं. और गुजरात टीम के साथ भी हम बहुत अच्छी समय बिताए और बहुत याद रहेगा मुझे और हीराना को इस समय यहाँ पे कुछ भी हम टाइम स्पेंड किया और अनीता और गुरु जी को भी थैंक्स. थैंक यू. सोमशेखर जी बोल रहे थे कि पहले दिन और उपासना जी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना चाहता हूँ कि और उपासना जी जाह्नवी जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जाह्नवी जी आधे क्वेश्चन के बाद ही वो समझ जाती थी और वो आंसर दे रही थी, उनको वो बहुत अच्छा लगा. और पहले दिन आप सुबह वहां से निकल कर आए थे लेकिन शाम तक बहुत उत्सुकता से आप सीख रही थी, तो वो जोश उनको देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और अगले दो दिन में उनको काफी सीखने को मिला. ये उनका कहना था. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರು ದಿವಸ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿನೂ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಾರ್ಮಾರ್ ಬೈ ಅಂತ ಫುಲ್ ನಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಕ್ಕದಾಗ ಬಂತು. ಅದ್ರದೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಹುಡ್ಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋದೆ ಆ ಥರದ್ದು.
ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಇದೇ ತರ ಮಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು मुझे भी बहुत अच्छा लगा जीपीएस जीआईएस का मुझे टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत आइडिया था और जनरली किस तरह डेवलपमेंट सेक्टर में यूज करना है वो उसका कुछ कॉन्क्रीट आइडिया था लेकिन इस वर्कशॉप के कारण आई हैड टू पुश मायसेल्फ मुझे अपने आप को कोई प्रैक्टिकल यूजेबल आइडियाज को दिखाने के लिए मुझे अपने आप पर थोड़ा बहुत प्रेशर डालना पड़ा तो वो मुझे अच्छा लगा नहीं तो शायद मैं और दो महीने शायद एक्सप्लोर ना करता तो फर्स्टली वो थैंक यू और जैसे फिल्म्स बनाए रहे थे मतलब मुझे एक चीज बहुत स्पेशल लगा कि जब भी हम फिल्म्स या किसी भी टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो आप पहली बात उसके यूसेज के बारे में आपका सोच रहता है कि ये एनर्जी में यूज करेंगे या इसमें यूज करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट फोकस है कि ये ठीक है टेक्नोलॉजी है इसे कैसे यूज करेंगे तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं भी शबरीश जैसे और इन सब के जैसे मेरा भी कॉमन थॉट है कि बहुत क्यूरियसिटी है कि आप लोग कैसे यूज करेंगे किस चीजों पर यूज करेंगे तो जरूर आएंगे कभी कच तो बस थैंक यू जो प्रपोजल लिखने की ग्रोथ से लेकर के हम साथ में हैं तो एक साल तो अभी हो चुका होगा तो आसान नहीं है एनजीओ एक दूसरे के साथ काम करना ईगो की बात होती है हमेशा और कभी कभी कंपटीशन हो जाता है और मुझे तब से ये उम्मीद थी कि हमें सीखने के लिए कुछ मिलेगा आप दोनों से आनंदी और केमरे से क्योंकि हमारी सीख बहुत छोटी है क्योंकि संस्था मतलब इतनी पुरानी नहीं है और हमने जो भी कोशिश किया है इंटरमीडिएटरी लेवल पे कोशिश किया है डायरेक्ट तो हम करते नहीं है लेकिन हमारे जो सिद्धांत है वो बिल्कुल कम्युनिटी की तरफ है फिर भी मुझे लगता है कि करने के लिए बहुत कुछ है और अहमदाबाद के बाद अभी हम मिले हम वैसे ट्रैक पे जा रहे हैं जैसे मिलना सीखना और उसे कम्युनिटी तक ले जाना हमारे लिए तो अभी बहुत एक बड़ा सवाल है कैसे हम भी कर दिखाएं आप लोगों से सीखें हमें सीखना है आप लोगों से क्योंकि ये उद्देश्य तो यही है कि हम नहीं तो हम अकेले में प्रपोजल भेजते और अकेले में पैसा लेते और अकेले में प्रोजेक्ट करते तो मुझे ये भी कहना है कि कभी कभी अंदर जो क्षमता और शक्ति और कौशल्य जो है उसे हम ज्यादा पहचानते नहीं हैं तो हमारी टीम को देखते हुए मुझे लगता है कि उनमें तो काफी सारी चीजें हैं और उन्हें लगना भी चाहिए कि इतनी कम उम्र में बहुत लोगों ने बहुत उन्हें अचीव किया है और इसको लेकर के कैसे कम्युनिटी के साथ जोड़े ये इसके बारे में उन्हें सोचना है अभी तो हमारा काम आगे है और आपका साथ हम चाहते हैं ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದ್ವಿ ಒಂದ್ ಎನ್ಜಿಒ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಜಿಒ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈಗೋ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಾರತಮ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಶಲತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ